नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के अध्ययन का विषय हम प्रारंभ करते हैं, तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। आज का विषय है कवि अज्ञेय। अज्ञेय जी की प्रसिद्धतम कविता भीतर जागा दाता। भीतर जागा दाता कविता का मूल भाव आज के इस व्याख्यान में हम करेंगे, जो इस प्रकार से है। भीतर जागा दाता अज्ञेय की तीसरी कविता नाम से संकलित है। यह अज्ञेय की पुरस्कृत काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार से ली गई एक महत्वपूर्ण कविता है। इसमें कवि का आत्मान्वेषण भी है और आत्मदान भी। समर्पण की भावना अत्यंत प्रबल है। वह अपने को प्रकृति से अभिन्न समझता है और प्रकृति में लीन हो जाता है। इसीलिए जब उसका दाता जागता है तो वह उसे सब कुछ दे डालता है। कवि पहले तो प्रकृति की निसर्ग सुषमा पर मोहित सा, मुग्ध सा दिखाई देता है। उसकी अनुभूति में प्रकृति के अनेक दृश्य जागते हैं। वह मतियाया सागर देखता है, जो प्रकृति के वाहन हवा के थपेड़ों से खेल रहा है। चारों ओर फैली हरियाली उसे मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। आकाश उसे लुभावना लग रहा है। मन को पवित्र कर देने वाली स्मृतियां और प्यार का ज्वार आदि सभी कोमल भावनाएं मन को पुलकित कर देती हैं। उसके हृदय का दाता जागता है, वह उसे सब समर्पित कर देता है। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु समर्पित कर देता है और उसे समर्पित करके अपार आनंद का अनुभव करता है। इस कविता में प्रिय से प्रिय वस्तु को अपने आराध्य को समर्पित कर देने का मूल भाव बताया गया है। समर्पण के इन भावों ने कविता को दास्य भाव की आराधना के अंतर्गत रखा है। यह समर्पण साधना पद का मुख्य सोपान है, क्योंकि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को न्योछावर करने के बाद ही अनंत सत्ता की ओर बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि अज्ञेय ने प्रकृति से तादात्म्य करके जो समर्पण भाव व्यक्त किया है, वह उनका आत्मदान ही है। अपने आप को निशेष भाव से दे देना आत्मदान की चरम स्थिति मानी गई है। यह वह आत्मदान है जो दाता और ग्रहिता दोनों को सार्थक करता है। प्रकृति दाता है और कवि या मनुष्य ग्रहिता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। यही संबंध की चरम स्थिति आत्मदान को व्यक्त करती है। यही कारण है कि कवि ने कविता के प्रारंभ में इस स्थिति को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। जैसे हरियाली बिछ गई तराई पर, हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई, पर चंचलता रह न सकी, फिर उजकी और झांक गई। छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी, आकाश के भाल पर जय तिलक आंक गई। गेहूं की बालियों में से कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली फूल ज्योत्सना द्वीप गई, कभी लाली
की सहसा चौंक गई, कभी लघु नीलिमा तीसी सी चमकी और छिप गई। इतना ही नहीं, इस समूचे प्रकृति के दृश्य को देखकर कभी अज्ञेय के भीतर सोया हुआ दाता जागृत हो उठता है, सोया हुआ दाता है वह जागृत अवस्था में आ जाता है। फिर वह दाता बनकर नीरव संकल्प करता है और उसी संकल्प में आत्मदान की स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। लो ये हरी भरी ये सवत्सा कामधेनु, लो ये हरी भरी धरती ये सवत्सा कामधेनु, मैंने तुम्हें दी, आकाश भी तुम्हें दिया, ये बोर ये अंकुर ये रंग ये फूल ये कोंपले, ये बोर ये अंकुर ये रंग ये फूल ये कोंपले, ये दुधिया कनी से भरी बालिया ये मैंने तुम्हें दी, आकी बाकी रेखा ये मेड़ों पर छाग छोने ये किलोलते, ये तलैया गलियारा ये सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तोड़ते, ये रूप जो केवल मैंने देखा, ये अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, ये सब मैंने तुम्हें दिया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अज्ञेय का काव्य छायावाद से प्रारंभ होकर के क्रमशः सामाजिकता से जुड़ता हुआ मानवीय संदर्भों की भूमिका पर बढ़ता हुआ, मानवीय संवेदना की भूमिका पर आगे बढ़ता हुआ सत्यान्वेषण, सत्य की खोज और आत्मान्वेषण की ओर अग्रसर हुआ है। यही कारण है कि संकलित कविताएं इन सभी प्रवृत्तियों को भली भांति व्यक्त करती हुई पाठक के मानस में नए भावबोध और नई नई चेतना को जागृत करने में समर्थ हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।